दोस्तों इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले हैं वर्ल्ड कप का जो कि मैच खेला जाएगा जो कि वार्म अप मैच है, आप देखोगे तो प्रैक्टिस मैच है, नेदरलैंड्स और कनाडा के बीच खेला जाएगा जो कि रात के 1:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैच ना पर्सनली बोलूँ तो थोड़ा सबको रिस्की लगेगा, लेकिन रिस्की है तो ज़रूर से मैं खुद मानता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रैनली वगैरह में करना ग्रैनली के लिए अच्छा मैच रहेगा। स्मॉली में ज़्यादा मत कीजिएगा, सुबह 4:30 बजे भी ये वाला भी, तो इसको भी मैं कवर कर सकता हूँ। सबसे पहला काम की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर देते हैं। तो ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दिया, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें, क्योंकि एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे ना लाइफ में कभी भी आपको दूसरा चैनल ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि इधर भटकते हो ना रात के समय, इधर उधर जाओगे लाइनअप देखोगे कि बैटिंग ऑर्डर कहाँ है, क्या है नहीं है, कौन कितना बड़ा बॉलिंग करेगा या 15-15 प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या करें नहीं करें, ये सब कन्फ्यूजन रहता है ना। एक बार ज्वाइन करके देख लो टेलीग्राम चैनल, कभी भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, उस पर डायरेक्टली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन जो से कर लेना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर लो, बस सिंपल सा काम है, फटाफट सबको प्लेयर बाय सेंस दे दो। अगर आप सोच रहे हो कि स्टार्ट से की टीम क्रिएट की, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम करने जा रहे हो, स्टार्ट से नहीं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस मैच कौन स्टार्ट देखता है यार। 15 प्लेयर्स इधर से खेलेंगे, 15 इधर से, और 20 ओवर का गेम है, आपका क्या स्ट्रैटेजी काम आएगा, कहीं से कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ काम आएगा, स्किल और एक्सपीरियंस। अगर स्टार्ट से किया और या फिर प्लेइंग में ढूंढ रहे हो, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम करो, या फिर आपको कोई जो प्रोबेबल प्लेइंग में दे रहा है उसे बोल दो कि ये प्रैक्टिस मैच है, पूरा स्क्वाड खेलेगी, उसे कमेंट करके बता देना। खैर अपने को तो आदत से ऐसे मैचेस कवर करने के और खेलने के। बात करें विकेट कीपर शिंकू से, प्लस वीडियो को जो लाइक करके ईमानदारी से इतने अच्छे मैचेस कवर कर रहा है, कोई नहीं कवर कर रहा अभी। रात के 1:30 बजे आपके लिए कोई फ्री में एक्टिव नहीं रहेगा, जो जिससे पैसे दोगे वो तो और एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम आपके लिए रात के 1:30 बजे एक्टिव रहेंगे, 12 बजे फाइनल टीम दे रहे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको डेडलाइन से 15 मिनट पहले हर एक मैच की फाइनल टीम दे देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार। देखो स्कॉटी डॉट बड़ा प्लेयर में, हालांकि बड़ा प्लेयर को पिक करना उसे प्रेफर नहीं करता, कि वर्क मैच उसको पिक करना चाहिए, बट क्या है कि इसके लिए कोई खास ये इनको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर स्कॉटी डॉट क्या पता कुछ करने आते, कैप्टनसी करते ना। मैक्सो डॉट पावर हिटर, लेकिन इनको इस्तेमाल नहीं करना जा रहा है, मैं बताता हूँ यहाँ पे नए नए प्लेयर्स को क्यों चांस दिया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच है। माइकल लेविट को चांस दे सकते थे बट उनको नहीं दिया, बिंदीप सिंह को मिल सकता था, लेकिन ये सब क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फिलहाल कि मैक्सो डॉट को पिक कर लेता हूँ, क्या पता आज चांस मिल जाए, ये दिक्कत है ना वर्क में, जैसे कि बस सोचना पड़ता है कि आज मिलेगा आज मिलता कुछ नहीं है। निकोलस क्रिटॉन जो से तो जनरली ठीक ठाक की टीम कर लेते हैं, वनडे मैचेस के अच्छे प्लेयर, T20 में भी आजकल अच्छी टीम कर रहे हैं, ये सब ग्रैंडली टीम है, जबरदस्त प्लेयर सब है, लोग इनको ड्रॉप कर देते हैं। निकोलस क्रिटॉन एरन जोनसन के साथ में पावर हीटर है, मैं क्रिटॉन को ड्रॉप कर रहा हूँ, हालांकि फोर्थ ना बैटिंग कोई नीचे नहीं है। डब्ल्यू बेरी सी भी सही प्लेयर टीम जैसे, क्योंकि इनको भी चांस देना चाहिए। नवनीत धालीवाल नो डाउट कितना बड़ा प्लेयर मुझे भी पता है, फॉर्म भी जबरदस्त है, प्रगत सिंह का भी जबरदस्त है, तो ये दो जबरदस्त प्लेयर है, प्रगत सिंह इनफॉर्म प्लेयर, उसके नवनीत सिंह जो भी जबरदस्त हिटर है, तो देख लेना। प्रगत सिंह में पिक करना प्रेफर कर सकता हूँ, आपको पिक करना है तो प्रगत सिंह डेफिनेटली पिक कीजिए, क्योंकि खराब प्लेयर नहीं प्रगत सिंह, क्योंकि जल्दीबाजी करते नहीं और आउट होते नहीं जल्दी बिल्कुल, लास्ट में बॉलिंग भी की है और बॉलिंग करते भी प्रगत सिंह, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ सब चीज़। तो नवनीत धालीवाल वही आजकल हिटिंग अच्छी करते हैं, ठीक ना, हिटिंग अच्छी करते हैं। प्रगत सिंह के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉप कर पे टीम में किसको, तो हर मैच में मैं पिक करता ही रहता हूँ मेरे सारे चार उस को, आज मेरी टीम प्रगत सिंह ट्राई करूँ, हमेशा भी प्रगत सिंह के साथ जाता हूँ, आज पिक कर चले दो शुरुआत करते भी रुक जाओ। माइकल लेविट वगैरह सोच सकते हो लेने का, वैसे लेट देखो बड़े प्लेयर को चांस नहीं दिया रहे, देखो खुद से नहीं ना मिल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। एक सेकंड का लास्ट मैच 100 गया था, मैंने कवर तो किया था नेदरलैंड्स का, है ना, 100 गया था, वही मैं सोचू यार कवर करके चलते हैं। लोगन वेक हर कोई जानता है कितना बड़ा प्लेयर हो सकता है, इनको भी चांस ना दिया जाए। साइब्रन उसे तो जबरदस्त फॉर्म में चलता था, काफ़ी अच्छा फॉर्म में था, जाफर को पिक कर, क्योंकि इसके अलावा कोई खास प्लेयर भी तो बॉलिंग नहीं कर रहा, हिलकर अच्छे आजकल पता नहीं हिलकर को क्या हो गया है बॉलर, लेकिन 3-3 विकेट चटका रहा है हर मैच में, पता नहीं इससे पहले भी 3-3 विकेट ले रहा था और यहाँ पे भी ले रहा है, पता नहीं कैसे। साइब्रन को पिक कर सकते हो अगर खेलेंगे तो, वरना बैटिंग और फॉर्म ठीक ठाक है, इस्तेमाल तो कर ही लेगा उसको भी। कलीम साना, पोलमी विक्रम, विवान किंग भी ठीक रहेगा, आर्यन दत्त भी सही है, टीम प्रिंगल इनको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि जबरदस्त फॉर्म में इनका चल रहा है, लेकिन इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। आर्यन दत्त पिक करूंगा नहीं, जैक गॉर्डन जो कि ये भी अच्छा टीम से, क्योंकि बहुत दिन बाद खेला था लास्ट, विकेट भी लेके गया था दो, तो चाहो तो कवर करके चल सकते हो, मैं भी कवर कर लेता हूँ, और टीम प्रिंगल इसलिए तो टीम प्रिंगल पिक कर लो, नहीं तो टीम में सैब्रांड पिक कर लो, नहीं तो वे टीम में किसी जैसे माइकल लेविट वगैरह पिक कर सकते हो, निकोलस क्रिटॉन पिक कर सकते हो, या फिर प्रगत सिंह के जगह पे धालीवाल को भी पिक कर सकते हो, नवनीत धालीवाल, बट मैं प्रेफर करूँगा अपनी टीम में जो मुझे लगता है विवान किंग हुआ या फिर टीम प्रिंगल। विवान किंग हुआ उससे बहुत कम मैच है, बट टीम प्रिंगल का रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, पर टीम यहाँ पे विवान किंग हुआ बहुत दिन बाद खेल रहे हैं और प्रैक्टिस वैसे इन्हीं को ज़्यादा चांस मिलना चाहिए,
तो मैं मेरी टीम है विवान किंग को ले रहा हूँ, पर टीम इंडिया का रिसेंट फॉर्म जबरदस्त चल रहा था। रिसेंटली मैं कैप्टन भी कर रहा था, आपको याद होगा, फिर बैटिंग भी डाल रहे थे, सॉरी बैटिंग भी कर रहे थे और बॉलिंग भी डाल रहे थे, इसलिए शायद मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ उन टीम प्रिंगल को, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, उनको इस्तेमाल में भी ना किया जाए। उसके अलावा सही है टीम, कैप्टन कैप्टन लॉगिन विक वगैरह ये सब सही है, लीडी वगैरह सब सही है कैप्टनसी के लिए, ये मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे इससे हो पाएगा नहीं। प्रदर सिंह भी ठीक है, स्कॉट एडवर्ड भी ठीक है, और मैं फिलहाल के लिए वेस्ट इंडीज के कैप्टन, अगर मुझे बॉलिंग से पॉइंट चाहिए तो मैं मुझे लगता है लॉगिन विक से कोई अच्छा बॉलर मुझे मिलेगा कोई भी पूरे फील्ड में, क्योंकि भाई उस सुपर स्मैश का स्टार प्लेयर है, तो इसलिए मुझे अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ लॉगिन विक के साथ। सीबीसी मेरे कुछ इस तरीके करेंगे, अभी आप सेम टीम का कॉन्टेस्ट बुक कर सकते हो, सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करना, मैंने बोला दबा के इन्वेस्टमेंट कर दो कुछ भी करो, ऐसा काम करने जरूरत नहीं है, थोड़ा तो सा रिस्की टाइप के मैचेस है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम कीजिएगा। हाँ ग्रैंडली वगैरह खेले, ग्रैंडली के लिए जबरदस्त मैच है, ग्रैंडली पिक्स अगर बात करिए स्मॉल ही टीम है जिससे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बुक कर सकते, लेकिन स्मॉल ही मत खेलना, मिनी ग्रैंडली वगैरह खेल लेना, थोड़ा सा रिस्की है तो मिनी ग्रैंडली खेल लेना, ये जो मेरी मतलब कि ग्रैंडली स्मॉल ही टीम हो गई। अब ग्रैंडली के पिक्स की मैं बात करूँ तो मैं ग्रैंडली पिक्स आपको दे देता हूँ, जैसे ग्रैली टीम है इसको रेड वाडी लेने इधर से, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो सब छोड़ो मैं बताता हूँ ग्रैली टीम किसको पिक करना है। पहला विक्रमजीत सिंह बहुत अच्छे हीटर है, पिक करके चल सकते हो, प्रगत सिंह, नवनीत धालीवाल, ये सब भी अच्छे ऑप्शन है, सभी खेलेंगे ना तो क्या पता किसको चांस मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो क्रिटोन की जगह पे मैक्सोडोर तो बाय डिफॉल्ट सब तो पिक करके आएगा, लेकिन कुछ डिफरेंशियल पिक बताना है, सैब्रांड इधर से विवान किंगमा, आर्यन दत्त का रिसेंट फॉर्म अच्छा था, बट टेस्ट खेल नहीं, बट अच्छा फॉर्म में चल रहा है, इधर से जन सिद्धि क्यों नहीं, क्लेविन किल को यूज़ किया जाएगा तो जबरदस्त रहेगा बंदा, जय सिद्धि क्यों को मैं पिक कर लेता हूँ, आर क्लेन भी जबरदस्त अभी फॉर्म में चल रहा है, तो ये जो सात प्लेयर्स है शायद ये ट्रम्प कार्ड हो आपके ग्रेलिटी में, तो इन सात प्लेयर्स को रोटेट करना पड़ेगा ग्रेलिटी में, ये बिल्कुल ना के बराबर लोकल सिलेक्शन है, चूज से करना। खैर अभी इस टीम का कॉन्टेक्ट जाके बुक कर दो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत करना, नॉर्मली करना, एकदम कम से कम करने की कोशिश करना, कोशिश करना कि कम ही करे होटल, यहाँ पैक्टीरिया फाइन टीम के साथ, यहाँ पे आपको फाइन टीम मिल जाएगा।